झारखंड विधानसभा का नंबर गेम क्या है, कौन सी पार्टी के पास कितने विधायक हैं, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि झारखंड विधानसभा का करंट सिनेरियो जो है वो आपके सामने है। कुल 82 विधायक, जिसमें जेएमएम के पास है 30, बीजेपी के 26, कांग्रेस के 18, एजेएसयू के 2, सीपीआईएमएल का 1, एनसीपी का 1 और आरजेडी का 1 विधायक, तो कुल संख्या 82 बन जाती है। अभी की जो स्थिति बन रही है, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी और उनकी विधायकी खतरे में है, और इसके चलते अगर राज्यपाल ने कार्रवाई की तो ये नंबर गेम आगे चलकर जल्द बदल जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुश्किलों में फंस गए हैं, उनकी कुर्सी साफ है कि खतरे में है। निर्वाचन आयोग ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ राज्यपाल को रिपोर्ट भेज दी है। विधानसभा सदस्यता रद्द करने के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने राज्यपाल को ये रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में क्या है अभी ये साफ नहीं है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़ा है पूरा मामला। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। क्योंकि खनन मंत्रालय भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास था। उन पर आरोप यह है कि खनन मंत्रालय उनके पास होते हुए उन्होंने अपने परिवार को, नजदीकियों को खनन पट्टा के जो है ठेके दिए, और उसके चलते ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला उन पर प्रूव होता है। तो चुनाव आयोग की तरफ से अगर ये रिकमेंडेशन गई है राज्यपाल को कि उनकी विधायकी रद्द कर दी जाए, तो साफ है कि हेमंत सोरेन सरकार और खुद हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। खनन पट्टा को लेकर बीजेपी झारखंड सरकार पर लगातार हमलावर है, और इसके साथ ही हमारे संवाददाता ने झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम से भी बात की, और उनका ये कहना है कि झारखंड की सरकार पर कोई संकट नहीं है, गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है। आइए सुनिए क्या कहा आलमगीर आलम ने। जैसा आप भी अनुभवी आदमी हैं, सियासत को समझते हैं सर, जो बातें आ रही है, मैं सीधे सीधे नाम लेता हूं, निशिकांत दुबे जी ने जो ट्वीट किया, इस ट्वीट को आप किस रूप में देखते हैं? मैंने तो कहा कि जो ट्वीट कोई भी बोलते हैं तो या तो खुद कराते हैं, तो आज तो लग रहा है कि आज कोई भी तंत्र स्वाधीन नहीं है, जो काम हम करते हैं पहले हमारा होने के पहले ही आप बोल देते हैं ये फैसला ऐसा हुआ, तो कहाँ तंत्र स्वाधीनता है, यानी हम करा रहे हैं, यही ना प्रतीत होता है। एक और आपके बात से जी बिल्कुल सर, एक और सवाल कि अगर फैसला लीजिए विपरीत आ जाता है तो हाँ। कैसे आप लोग रणनीति तय करेंगे सर, क्या कुछ चर्चाएं होती है, क्योंकि आप बार बार करें आंकड़े हैं, नंबर में कोई आपको खारिज नहीं कर सकता। पॉलिसी मैटर है और पॉलिसी हम लोग का पहले ही तय हो गया है। और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये रांची में सीएम हाउस के बाहर की तस्वीरें हैं। आप लोग ये जश्न मना रहे हैं क्या भाई? मैसेज हम लोग को सीपीएल मिला हुआ, पूर्व के सरकार हम लोग का सीपीएल काट लेती, सीपीएल हम लोग को दिए हैं 20 दिन। इस वक्त खुशी हम लोग। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।